एबीसी के अधिक मेंबर भारतीय जनता पार्टी के होंगे, फिर काहे डर रहे हो? अरे क्या डर है आपके मन में चौकीदार साहब? जनता जानना चाहती है कि आपके माथे पे जो लेबल लगा है उसको जनता मिटाना चाहती है, आप जेपीसी नहीं लगाना चाहते हो। ये राफेल की स्टोरी अभी कल परसों अखबार में आ गया कि 41% उसकी प्राइस बढ़ी है। आज और एक चीज आ गई कि फ्रांस को उसका जो एनहांस वर्जन है वो 820 करोड़ में मिल रहा है और भारत को पुराना वर्जन जो है वो 1670 करोड़ में मिल रहा है। तो ये पैसा आपका है कि नहीं है, आपके पैसे का उत्तर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न है। और अगर देश का नागरिक डेमोक्रेसी के अंदर, अगर देश का नागरिक लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है तो प्रधानमंत्री को उसका उत्तर देना दायित्व बनता है। छुप के भाग के पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा, इस तरह से भारत देश नहीं चलेगा। और फिर एनएसएस अजीत डोभाल की भी बात करना चाहूंगा, परसों उसके बेटे का भी मुद्दा आया विवेक डोभाल। मैंने नोटबंदी की बात थोड़े दिन पहले की, अभी थोड़ी देर पहले आपसे की, कि नोटबंदी के 10-12 दिन में एक हेज कंपनी बनती है केमेन आइलैंड, और केमेन आइलैंड में पैसा ट्रांसफर होता है नोटबंदी के 13 दिन में, और एक वर्ष में वो पैसा 8,300 करोड़ रुपया केमेन आइलैंड से वापस आता है। 17 वर्षों में आप अगर इतिहास देखेंगे, 17 वर्षों में केमेन आइलैंड से इतना पैसा कभी नहीं आया जितना एक साल में आया। ये पैसा किसका है? इसकी क्या तहसीलदार नहीं होनी चाहिए? फिर ये कहते हैं भाई हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे। और उसके अंदर एक व्यक्ति ऐसा है डॉन डब्ल्यूई बैंक्स, जो पैराडाइज पेपर के घोटाले में है, वो इस कंपनी का डायरेक्टर भी है। और फिर इतनी बेरोजगारी है और इतने रोजगार के लिए नौजवान त्रस्त है, तो कुछ तो स्कीम बताइए अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, कम से कम वही स्कीम बता दीजिए जो अपने आप अपने बेटे को बताई जय अमित शाह को। 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपया 2 महीने में उनकी टर्नओवर बढ़ी है, ये क्या स्कीम है भाई? ये स्कीम मेरे देश के नौजवानों को भी बताओ, यहां जो बैठे हैं इनको भी बताओ, ये भी 2 महीने में 50,000 से 80 करोड़ रुपया कमा लेंगे, इनके मां बाप भी इनको सर से दिखाएंगे। अब बात करते हैं जीरो टैक्स। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि ये जीरो टेररिज्म की बात होती है, कश्मीर की बहुत बात होती है, बहुत जुमले होते सब होता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपको पता है सीज फायर वायलेशन कितने हुए? 4,500 सीज फायर वायलेशन हुए हैं। हमारे 490 जवान और पुलिसकर्मी शहीद हुए, 290 सिविलियन हमारे वहां पर मारे गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार किसके साथ जाके बनाई? पीडीपी के साथ जाकर के सरकार बनाई, जो पीडीपी अलगावादियों की समर्थक है, जो पीडीपी अफजल गुरु की समर्थक थी, जो अफजल गुरु को कांग्रेस पार्टी ने फांसी पर लटकाया, पीडीपी उसको देशभक्त कहती थी, उस पीडीपी के साथ में भारतीय जनता पार्टी जाकर के सरकार बनाती है और कहते कि हम टेररिज्म मिटाएंगे। और मुफ्ती साहब जब शपथ विधि थी उनकी, तो शपथ विधि में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठ करके वो कहते हैं पाकिस्तान का मैं धन्यवाद करता हूं, अलगावादियों का मैं धन्यवाद करता हूं, और प्रधानमंत्री जी चुप है। महबूबा मुफ्ती खुलेआम धमकी देती है कि आर्टिकल 35A से अगर आपने छेड़छाड़ की
तो भारत देश के तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऐसा बोलती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। कोई व्यक्ति ये बोलते कि भारत देश के तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति ये कहते कि आप हमारे से छेड़छाड़ करोगे तो गली गली में सैयद सलाहुद्दीन पैदा होगा और भारतीय जनता पार्टी उसमें चुप बैठे, उसके ऊपर कोई देशद्रोह का कार्रवाई नहीं हो, तो फिर ये क्या टेररिज्म से लड़ रहे हैं? और देश की डिफेंस मिनिस्टर कहती है कि पिछले 4.5 वर्षों में यहां पर कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। अरे भाई, उड़ी पर फिल्म बन गई। और देश की डिफेंस मिनिस्टर कहती है बड़ा अटैक नहीं हुआ, कौन सी दुनिया में? अरे उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, गुरदासपुर हुआ, नगरोटा हुआ, पुलवामा हुआ, अनेक कल भी अटैक हुए। एक बार में 19 हमारे वो सैनिक मारे गए हैं। उन परिवारों से पूछो जिनके सैनिक मर रहे, जिनके परिवार का व्यक्ति मर रहा है। उन आदमियों से पूछो जिसका भाई मर रहा है, उस मां से पूछो जिसका बेटा मर रहा है, उस पत्नी से पूछो जिसका पति वहां पर शहीद हो रहा है, उसके मन में क्या जाता है? जुमलों से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, यू हैव टू मेक अ कंसिस्टेंट पॉलिसी। जब तक इस देश की सरकार कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी, तब तक हम टेररिज्म को यहां से हटा नहीं सकते। एक इंटरलॉक्यूटर इन्होंने भेजा है, दिनेश्वर शर्मा नाम का, आजकल उसका भी पता नहीं लगता कि वो कहां है। देयर इज नो पॉलिसी। ठीक है, मार दिया किसी को, कल को वो मार दिए, और भाषण बड़े बड़े किए, एक के बदले 10 सरनाए। पिछले 5 वर्षों में हमारे 7 जवानों के सर काट दिए गए, उनके अंग काट दिए गए। कहां है वो वाले? आप कर क्या रहे? 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस ले रहे, मेजर आदित्य कुमार पर FIR कर रहे हो, एक तरफा युद्ध विराम कर रहे हो। एक तरफा युद्ध विराम ये इतिहास में 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। सीज फायर यानी युद्ध विराम होता है दो देश की आर्मी के बीच में। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताइए। दो देशों की आर्मी के बीच में सीज फायर होता है। पहली बार 70 साल में इस देश के इतिहास में सीज फायर हुआ है भारत देश की आर्मी में और आतंकवादियों के बीच में। एक तरफ को खून की होली खेल रहे थे और हम उनको शांति का पाठ पढ़ा रहे थे। 68 अटैक हुए 30 दिनों में, 38 हमारे सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए, 17 सिविलियन मारे गए। कौन इसका जवाबदार है? इसकी जवाबदारी ये जनता आपको अभी पूछेगी। और आजकल हो क्या रहा है कश्मीर में? जब हम टेररिज्म पे बात करते हैं तो आज लोकल रिक्रूटमेंट वहां पर बड़ा है मिलिटेंसी में। वहां पर अगर आप देखेंगे तो पढ़े लिखे यूथ मिलिटेंसी को ज्वाइन कर रहे हैं। 2007 में 131 लोकल यूथ ने ज्वाइन किया, 2018 में 210 के ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया। और वैसे संगठन आ रहे हैं, ISIS कश्मीर जैसे संगठन उभर के आ रहे हैं जो अलकायदा की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, ISIS की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। केवल जुमले लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, गोली और गोली एक साथ नहीं चलेगी। इतना बोलने से देश का टेररिज्म नहीं रुकेगा। एक तरफ आप ये बात करो और दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ को जन्मदिन विश करने जाते हैं। अजीत डोभाल बैंकॉक के अंदर छुपे छुपे मिलते हैं पाकिस्तान के एमएलए को, और फिर केंद्र की ये सरकार जो राष्ट्रवाद पर बड़ी बड़ी भाषा करती है, बड़े बड़े भाषण करती है। राष्ट्रवाद भी मैं कहूंगा इनका फर्जी है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है हर साल पाकिस्तान डे पे इनके मंत्री जाते हैं, कभी प्रकाश जावड़ेकर जाते हैं, कभी वीके सिंह जाते हैं, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत जाते हैं। एक तरफ आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो, फिर उनके पाकिस्तान डे पर भी जाते हो, कब तक ये चलेगा?
और ये 2019 का नौजवान जो है बहुत ही सतर्क है। ये 2019 की लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई होगी, ये आपने 5 सालों में क्या किया है इसकी लड़ाई होगी, ये गोडसे की विचारधारा वर्सेस महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई होगी। और 2019 में लड़ाई होगी लूट के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, भय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई होगी। और ये लड़ाई जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी, झूठ बनाम सच की लड़ाई। इनका एक नारा आया था कर्नाटक के चुनाव के समय, साफ नियत सही विकास, याद है आपको नारा भी याद है क्योंकि इन्होंने बोलना बंद कर दिया। साफ नियत सही विकास, उसका उत्तर जनता ने कर्नाटक चुनाव में दे दिया, खोटी नियत झूठा विकास। अरे 2014 में गंगा से शुरू हुई ये सरकार गाय पर ही अटक गई, विकास की मम्मी कहीं रास्ते में ही भटक गई। और अंत में मैं 2 लाइनें कैसे खत्म करूंगा कि 2019 ये नौजवान देख रहा है और 2018 भी ये नौजवान ने आपको नतीजे दिए हैं। रमन गए रानी गई चले गए शिवराज, रमन गए रानी गई चले गए शिवराज, अगली बारी आपकी जुमलों के सरताज, अगली बारी आपकी जुमलों के सरताज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने समय थोड़ा सा ज्यादा लिया है, होप सो कि मैंने आपको बोर न किया हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैंने एजेंडा फिर से पढ़ा कि कहीं विषय 2020 का आम चुनाव तो नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, हेलो।